मधुर भंडारकर की फिल्म जब से ऑन बोर्ड आई है तब से किसी न किसी नई कंट्रोवर्सी से घिरी हुई रहती है। अब इस बार हीरोइन की हीरोइन को लेकर नहीं बल्कि स्क्रिप्ट में आ गई है प्रॉब्लम। शायद हीरोइन की स्क्रिप्टिंग को पूरा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इस फिल्म के डायलॉग राइटर निरंजन आयंगर का लैपटॉप हो गया है चोरी और उसी में स्टोर थी इस फिल्म की सारी स्क्रिप्टिंग और ये चोरी हुई है करण जौहर के ऑफिस के पार्किंग लॉट से वेयर द डायलॉग राइटर हैड पार्क्ड हिज कार। फिलहाल तो इस चोरी की कंप्लेंट लॉन्च की गई है और FIR दर्ज कराया गया है खार पुलिस स्टेशन में, पर लैपटॉप वापस मिल जाए इसके चांसेस काफी कम है एज इट इज नॉट इजी टू ट्रेस द थीफ। दरअसल निरंजन अपने काम के सिलसिले में केजो के ऑफिस गए थे टू प्लान द जम्मू एंड कश्मीर स्केड्यूल फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर, पर अब इस चोरी के बाद शायद वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के कास्ट एंड क्रू मेंबर्स के साथ जा नहीं पाएंगे। अब उन्हें फिर से डबल मेहनत करनी होगी और फिर से लिखने होंगे इस फिल्म के सारे डायलॉग्स। वेल दिस सीम्स टू बी अ टफ टास्क बिकॉज़ ही डजंट हैव द एंटायर चंक विद हिम। वेल मधुर को भी इस बात का बेहद अफसोस है लेकिन अब वो तैयार है हर एक ऑब्स्टिकल को अपने सर लेने के लिए। हीरोइन फिल्म का नाम जब से आया है तब से वो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी झेल रही है। पहले इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस के लिए मधुर ने की मरम्मत करीना के पीछे, पर करीना तब भी इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग से खुश नहीं थी। I have always said that I'd love to work with Madhur. I mean it's like I think he's an amazing director. I think Page 3 and Fashion was spectacular. But at this particular time in this particular what the script that he wants to make is something that I'm not looking at doing. फिर बाद में मधुर चले गए ऐश के पीछे और ऐश ने कांस फिल्म फेस्टिवल के बाद इस फिल्म पर काम करना शुरू भी कर दिया, पर इस फिल्म के कुछ शॉट्स के बाद ऐश ने मधुर को कर दिया डिच as she was expecting at that time, जिसकी वजह से the director had to face a lot of financial trouble. पर कैसे तैसे करके मधुर got out of this as well और आखिरकार उन्होंने बेबो को इस फिल्म के लिए फाइनलाइज कर दिया। अब फिल्म की शूटिंग शुरू ही नहीं हुई थी कि खबर आ गई करीना और सैफ की शादी को लेकर। इसे सुनकर मधुर भी बौखला गए। दिस इज वेरी पर्सनल, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस इशू। आई सेड आई डोंट नो, दिस इज वेरी पर्सनल टिल द टाइम माय शूटिंग इज गेटिंग ओवर इन मे एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट एंड द फिल्म इज 25% वी शॉट so far is going very well. और अब जब हीरोइन भी है रेडी और उनकी फिल्म की शूटिंग भी आखिरकार शुरू हो गई है इतने सब ट्रबल के बाद, तो आ गया एक और नया ट्विस्ट, वो है लैपटॉप का चोरी हो जाना, यानी कि हीरोइन पर लग गया है जिंक्स। अब हम तो यही चाहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग सही सलामत खत्म हो जाए और पब्लिक को भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल हीरोइन फिल्म देखने का मौका मिले। वी जस्ट होप कोई और ट्विस्ट फिर से ना आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।